आप सभी किसान भाइयों को हमारे यूट्यूब चैनल पे नमस्कार। तो आप लोग जुड़ चुके हैं बैटरी मशीन रिपेयरिंग एसडी चैनल पे। तो आइए आप सभी किसान भाइयों को सारी जानकारी हम देने वाले हैं। ये देखिए डबल मोटर स्प्रे पंप है जिसकी बैटरी आपको मिलने वाली है 12x12 की। और खास बात क्या है, इसकी प्लास्टिक बहुत अच्छी आ चुकी है और इसका मोटर भी बहुत अच्छा है। देखिए सेफ्टी भी बहुत अच्छी है और पट्टे भी बहुत अच्छे हैं। तो इसीलिए आप सभी किसान भाइयों को हम हर जानकारी देने वाले हैं कि हमारे किसान भाइयों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी ही मशीनें आप सभी किसान भाइयों के पास होना बहुत जरूरी है। ये 2 एंड मशीनें हैं। बैटरी ख़त्म होने पर आप लोग दवा को नाना नहीं है, क्योंकि 2 एंड है तो बैटरी उतार के मशीन रख के आप लोग हाथ से चला के यूज कर सकते हैं पूरी तरीके से। आपकी दवा, कोई भी दवा आपकी बर्बाद नहीं होगी, क्योंकि ये 2 एंड है। एक सिंगल मोटर की मशीन है, 12x8 की बैटरी पर जो है, बैटरी भी बहुत अच्छी है, 20 से 25 टन की आराम से छिड़क सकते हो। तो आप सभी किसान भाइयों को हमारे यूट्यूब चैनल पे सारी जानकारियां दी जाती हैं। और ये देखिए ये 2 एंड है, वो एक मोटर का मशीन है, 12x8 की बैटरी पर जो है, मशीन बहुत अच्छी है। मोटर का इसका प्रेशर भी बहुत अच्छा आता है, क्योंकि बैटरी इसकी बहुत अच्छी है, बैकअप भी बहुत अच्छे देते हैं। ये देखिए सामान आपको कितना दिया जाता है, 4 निपुल, चार्जर, 1 छड़ और पट्टे। पट्टे भी इसके बहुत अच्छे हैं, सीट बेल्ट वाले पट्टे दिए जाते हैं कि कंधा ना कटे, इसीलिए मोटे पट्टे बना दिए गए हैं। और बहुत सारी खासियतें हैं जो आप सभी किसान भाइयों को जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि जब जब चीज़ अच्छी मिलेगी तभी सामान अच्छी मिलेगी। तो इसीलिए हम आप सभी किसान भाइयों को हर जानकारी अच्छी देने वाले हैं, क्योंकि आप लोग जुड़ चुके हैं हमारे बैटरी मशीन रिपेयरिंग पे। मैं हूँ एसके मौर्या और आप सभी किसान भाइयों को अच्छी जानकारी के साथ दिखाता हूँ। ये देखिए ये भी 18 लीटर टंकी है, ये 16 लीटर टंकी है, बहुत अच्छी है। बैटरी भी इसकी बहुत अच्छी आती है, 16 लीटर टंकी, स्प्रे पंप 16 लीटर, बहुत अच्छा, नंबर 1 की क्वालिटी, 4 निपुल, पट्टे, चार्जर और गन भी इसके साथ आपको मिलती है। तो इसीलिए आप सभी किसान भाइयों को क्या करना है कि अगर हमारे YouTube चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा देना है। और कमेंट में आप सभी किसान भाइयों को जय हिंद जय भारत जरूर लिखना, अगर किसान हो तो एक बार कमेंट जरूर।